हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप नेगी है। आज हम एक ऐसे टूल्स का अध्ययन करेंगे जिसका नाम जियोजेब्रा है। और जियोजेब्रा एक गणित फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन सपोर्ट भी अवेलेबल है। इसमें आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से इसमें कार्य कर सकते हैं। इस टूल की सहायता से हम ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होते हैं उसको आसानी से बना सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं और साथ में एलजेब्रा एक्सप्रेशन व्यू भी उसका देख सकते हैं। इस टूल में ज्योमेट्रिकल शेप्स को 3D में बनाया जा सकता है, एनिमेशन का प्रयोग किया जा सकता है, इसके साथ स्प्रेडशीट और ग्राफ इसका भी इसमें निर्माण किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से विद्यार्थी ज्योमेट्रिकल शेप्स को बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं और शिक्षक भी इस सॉफ्टवेयर की जो विभिन्न टूल्स होते हैं उनका प्रयोग करके कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और साथ में ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ जुड़कर और भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप दिए हुए यूट्यूब लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम इस टूल्स पर और अधिक वीडियो का निर्माण करें और आप उस नए नए वीडियो को देख सकें। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। और यहां पर हम जियोजेब्रा जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका एड्रेस लिखेंगे www.geogebra.org। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे उनकी वेबसाइट यहाँ पर खुल जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसमें जियोजेब्रा लिखा हुआ है, होम, न्यूज़फीड, रिसोर्स, प्रोफाइल, पब्लिक, क्लासरूम और ऐप डाउनलोड्स। तो हम सबसे पहले ऐप डाउनलोड्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ग्राफिक कैलकुलेटर आ रहा है, 3D कैलकुलेटर आ रहा है। हम यहाँ पर जियोजेब्रा क्लासिक 5 ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो न्यू वर्जन है जियोजेब्रा क्लासिक 6 इसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप ऑनलाइन भी काम इसमें कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी इसमें देख लेते हैं कि कैसे इसका इंटरफेस होता है। वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का जो इंटरफेस है वो लगभग एक समान है। तो ये ऑनलाइन है और ऑनलाइन में आप देख रहे हैं कि ये सारे टूल्स दिए हुए हैं, इसका जो ये इंटरफेस है ये ऑफलाइन के ही समान है और इसमें जो आप फाइल सेव करेंगे वो ऑनलाइन जियोजेब्रा में सेव होगी। तो अब हम इसका ऑफलाइन वर्जन देख लेते हैं। तो ऑफलाइन के लिए आपको जब डाउनलोड करेंगे हम, तो डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो डाउनलोड फोल्डर है उसमें ये जो आपका डाउनलोड फोल्डर है यहाँ पर वो फाइल यहाँ पर दिखाई देगी, वो सेव हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। और यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसका जब ओपन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो वो आपके डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी और वो उसका आइकन आपको इस प्रकार यहाँ दिखाई देगा, जियोजेब्रा क्लासिक। जब आपको उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल इस प्रकार आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो इसका इंटरफेस है यहाँ पे आप बहुत सारे लाइनें देख रहे हैं, इसको हम ग्राफिक व्यू बोलते हैं। और इस तरफ जो आपका व्हाइट दिख रहा है ये एलजेब्रा व्यू है। यहां पर आप देख रहे हैं ये कुछ कमांड से इनबिल्ट कमांड्स बोला जाता है इनको। तो इसमें जो पहला कमांड से ये मूव है जो पॉइंटर को मूव करने के काम आता है, ये फ्री हैंड शेप बनाने के काम आता है और ये पेन के काम आता है। इसके बाद ये पॉइंट्स टूल है जिसमें पॉइंट से संबंधित सारे टूल्स हैं, पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इंटरसेक्ट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद ये वाला टूल्स लाइन, सिगमेंट्स, सिगमेंट्स विद गिवन लेंथ, बहुत सारे रे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आपका आ गया पेपेंडिकुलर टूल जिसमें पेपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइन, बहुत सारी चीजें इसमें हम बना सकते हैं। इसके बाद आ गया पॉलीगन टूल्स जिसमें कई प्रकार के पॉलीगन्स आप बना सकते हैं। इसके बाद है सर्कल टूल जिसमें सर्कल से संबंधित सारे टूल होंगे, जिसमें रेडियस कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं और सेमी सर्कल और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसके बाद है एक्लिप्स टूल
उसके बाद है आपका एंगल्स टूल, जिसमें एंगल और उनके साइज को हम मेजर कर सकते हैं, साथ में एरिया भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है रिफ्लेक्ट अबाउट लाइंस टूल्स, जिसमें लाइन से संबंधित जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जिसको हम स्लाइडर भी बोलते हैं, जिसमें हम जो जितने भी हम ज्योग्राफी ये ज्योमेट्री के फिगर बनाएंगे उसको हम यहाँ से मूव कर सकते हैं, उसको मूवमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, एबीसी टेक्स्ट टूल है, और यहाँ पे इमेज भी हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कई सारे टूल्स इस तरफ भी मिलेंगे, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स वाले से संबंधित टूल है, एडिट टूल्स हैं, इसमें फाइल हम सेव कर सकते हैं, न्यू फाइल बना सकते हैं, जो फाइल हमने सेव करी उसको ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और हम शेयर भी कर सकते हैं इसको, प्रिंट हमें निकालना हो हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ये टूल्स थे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ टूल्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, तो ये आपको जो प्लस यहाँ पे शो दिख रहा है, शो और हाइड एक्सिस, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सिस हमारा शो होने लग गया, इसको यहाँ से हम हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आप देख रहे हैं ये है आपका ग्रिड, जिसको हम यहाँ पर हाइड भी कर सकते हैं और दोबारा इसको स्क्रीन पे ला सकते हैं, और इसको अलग अलग व्यू भी देख सकते हैं कि इस प्रकार के ग्रिड भी बनाया जा सकता है और इस प्रकार के ग्रिड भी होते हैं। तो आपने पूरा इंटरफेस इसका देख लिया है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, और इसके साथ कुछ और टूल्स हैं जिसमें हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं एप्लीकेशन, सीएस टूल है, ग्राफिक 2D है और 3D ग्राफिक्स है और स्प्रेडशीट है। ये सारे टूल्स का इस्तेमाल हम इसमें आने वाले समय पे करेंगे, जिसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि इसमें कैसे हम इन टूल्स में काम कर सकते हैं। तो ये था जियोजेब्रा क्लासिक 6 का इंटरफेस।